करते हैं खान पान की तस्वीर। बच्चों आपने ये देखा होगा कि आप शादी ब्याह में जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां पर विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री आपको देखने को मिल जाती है। उनमें से आपने देखा होगा कि बहुत सारे तो जो खाद्य पदार्थ है जो आपको भोजन करने वाले हैं वो तो परंपरागत होते हैं। इसी में पहले कौन है MIAL करके म्यूट करें, कौन है? कोई आया बाहर? ये आवाज कहाँ से आ रही है? सर आवाज धीमी है। चलिए बंद करके रखें, आ गया जी। तो शुरू करते हैं हम लोग। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत में देखा, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल गई है। अब आप कहीं भी हो उत्तर भारत के रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड अर्थात तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब पड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। चलिए तो इस पार्ट में चलिए मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ आपसे, अगर आपने ध्यान से सुना है उसे। चलिए पूछते हैं अनिकेत अग्रवाल। आपको ये बताना है उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। उत्तर भारत की क्या सर? उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है सर? उनका खान पान सर, उनका खान पान इडली डोसा बड़ा सर। नहीं, ढाबा संस्कृति, जो ढाबा चलते हैं ना, जो उत्तर भारत में चलते हैं और जो ट्रक वाले होते हैं या फिर जो मेला करने जाते हैं या कोई यात्री होते हैं वो रोड के किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं और ढाबा में जाते हैं, जहाँ पर रोटी दाल चावल सब्जी जो भी खाना मिलता है वो ढाबा में मिल जाता है। ये ढाबा पूरे देश में मिलते हैं, उत्तर भारत में तो दक्षिण भारत में जाता है कि दाल चावल रोटी सब्जी ढाबा में मिल सकती है। चलिए और दूसरा प्रश्न पूछते हैं नील से। नील से हाँ, मैंने भी मेरी आवाज दी थी। नील से को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, शायद से सुनाई दे रही है। चलिए और पूछते हैं संस्कृति सिंह। संस्कृति सिंह को आवाज सुनाई दे रही है। हेलो, अच्छा किसको आवाज सुनाई दे रही है भाई, बोले सर हमें। सर हमें क्या नाम, तो क्या नाम है? शुभ अग्रवाल सर। सत्येंद्र। ओके शुभ, आप थोड़ा पहले ये बताइए कि सर हमें भी दक्षिण भारत के कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर पूरे भारत में मिल जाते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। दक्षिण भारत के कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो पूरे भारत में मिल जाते हैं।
सर इडली, डोसा, बड़ा, सांबर और रसम। बहुत अच्छी बात है। इडली, डोसा, सांभर, बड़ा और रसम इत्यादि। चलिए आगे हम जानते हैं। 2 मिनट नूडल के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, और बंगाली मिठाइयों की केवल रसधारी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता बना चुकी है क्या? और वो ये है कि चाहे गुजरात के ढोकला गाठिया हो, चाहे बंगाल की मिठाइयाँ हो, ये केवल अब एक जगह के भोजन नहीं रह गए, ये पूरे भारत में या आगे दुनिया के किसी भी हिस्से में चीजें मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें और भी हुई है, मतलब अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी चली जा रही है। खान पान की प्रगति भी सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरे के पेठे जंजीर में आप वह बात कहाँ है, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता का फर्क पड़ा है, और फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्न से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की कोशिश भी अब कितने लोगों को रह गई। अब गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए दूजे से बीज सुखाना, छीलना और फिर उनके व्यंजन तैयार करना सचमुच दुसाध्य है। दुसाध्य का मतलब होता है कठिन है। चलिए तो आप एक चीज जानना चाहेंगे, किसी एक का नाम लेते हैं, देखते हैं प्रशंसा सुनाई दे रही मेरी आवाज? प्रशंसा मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माइक अनम्यूट कर ले, जो माइक लगा हुआ लाल वाला जो। हाँ प्रशंसा, आपको ये बताना है ये आवाज थोड़ी छूटी आ रही है। आपको ये बताना है कि ये पाव भाजी भारत के किस शहर का प्रसिद्ध भोजन है? पाव भाजी भारत के किस प्रसिद्ध शहर का भोजन है? मुंबई बम्बई। बहुत अच्छी बात है, मुंबई मुंबई सर, सर मुंबई बिल्कुल मुंबई बिल्कुल सुन लिया मैंने, बहुत अच्छी बात है। मुंबई। हाँ बंद कर लीजिए अपना मैं, और आगे हम देखेंगे। अनन्या आपके बाद मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुंबई। अरे छोड़ो मुंबई को, अनन्या आपके बाद मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अनन्या अग्रवाल, नहीं सुनाई पड़ रही है। चलिए कोई बात नहीं है। सत्येंद्र प्रताप को आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। सत्येंद्र आपको ये बताना है कि दिल्ली का कौन सा खाद्य पदार्थ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। दिल्ली सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। दिल्ली का कौन सा खाद्य पदार्थ दुनिया भर में प्रसिद्ध है? यस सर। हाँ बताइए।
सर हम बताएं, सर हम बताएं शिव अग्रवाल। बोलिए बोलिए सर। छोले कुच्चे। छोले कुच्चे सही बताया आपने। छोले कुच्चे। छोले कुच्चे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और बताना है आपको। हाँ शुभ। यस सर। हाँ आपको ये बताना है कि जो पुराने स्थानीय व्यंजन थे वो क्यों घट रहे हैं। यस सर। इसी पैराग्राफ में इसके बहुत सारे उत्तर मिले। वो क्यों घट रहे हैं, उनका कारण क्या है सर? क्योंकि आज के लोग सर पुराने खान पान को छोड़कर सर आज की जो नए चीजें चौमेन बर्गर इन सब की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे और उसको ज्यादा खाने लगे हैं। बिल्कुल। पुराने व्यंजनों को बनाने में मेहनत ही बहुत है। यस सर। हाँ इसीलिए लोग बनाते नहीं। उनके लिए लिखा गया ना कि जो गृहणियां हैं यानी घर में काम करने वाली जो औरतें हैं उनको पुराने तरीके से खरबूजे के बीज उखाड़ना छीलना फिर उनसे व्यंजन तैयार करना ये सब कोई नहीं करना चाहता। सब कुछ मेरे पूजन के भरोसे रहते हैं। इसीलिए जो है आजकल स्थानीय व्यंजन प्रथम कम होते जा रहे हैं और इधर उधर के जो है तुरंत व्यंजन वाले जो है हर जगह फैल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अब आगे हम जानते हैं यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने में पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन प्रतिमाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को नई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। फिर व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता। उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा। चलिए हम इसी के बारे में एक प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। स्वर्णिमा। स्वर्णिमा सुन रही है? यस सर। स्वर्णिमा आपको भी पता चला होगा कि इन दोनों पैराग्राफों में कुछ कारण दिए गए हैं कि स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। तो आपके हिसाब से तो कौन से कारण होंगे जिससे स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है? सर वो कारण है जटिल प्रक्रिया वाली चीजें कभी कभार व्यंजन पुष्ट। ठीक है ठीक है। सर जटिल प्रक्रिया वाली चीजें कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं, लेकिन सर शहर में इतना इतनी भागम भाग होती है कि वहाँ के लोगों को पहले से इतना काम रहता है कि वो इतनी मेहनत क्यों करे, तो सर इसलिए वो जो जल्दी आसानी से मिल जाता है वही बना लेते हैं। बिल्कुल। और ये महंगाई भी अगर आपको मेवों के लड्डू yes, जिसमें काजू बादाम का पड़ता है तो उस वजह से लोग खरीदते नहीं है और बिना मेवों के yes, सर नहीं। अगर आपको मेवों के लड्डू बनाना है तो आप मेवा नहीं डालेंगे, घी नहीं डालेंगे, सब्जी डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और इन सबको खरीदने में बहुत सारा पैसा लग जाता है, इसलिए भी लोग शायद नहीं बनाते हैं। महंगाई हो गई और दूसरा लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते और तीसरा लोगों को yes. बनाना भूल भी गया है। ये भी कार्ड पर बनाएंगे तो भूल जाएंगे ना, तो फिर क्या है कि लोग बनाता रहेगा। इसमें लिखा व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर। जब लेखक ने लिखा था उस समय यूट्यूब नहीं चलता था तो लोग व्यंजन पुस्तिकाएं या किसी बाजार में पुस्तिका मिलती है कैसे हम लड्डू बनाए, कैसे मिठाई बनाए, कैसे ये बनाए वो बनाए, तो पुस्तकें खरीद लाती थी महिलाएं उनको पढ़ पढ़ के बनाती रहती। आजकल तो लोग यूट्यूब का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? Yes. खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी हुई है इसके अपने सकारात्मक पक्ष हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालित रूप में उपलब्ध नहीं हो। तो इसमें एक बात ये आई कि ये जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है ये है क्या, पहले मैं आपको बताऊंगा। खान पान की मिश्रित संस्कृति से मतलब ये है कि एक जगह पर दुनिया भर के विभिन्न खाद्य पदार्थों का मिल जाना और उनके बनाने वाले मिल जाना, बनाने के तरीके मिल जाना, यानी हर तरीके से वो खाद्य पदार्थ मिल जाना। जैसे कि मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि अगर आपके घर में
शादी होती है तो शादी में बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, जिसमें दाल चावल रोटी इत्यादि तो बनता ही है। इसके अलावा मिठाइयाँ भी बनती हैं जो कि बंगाल की है। छोले कुलचे की व्यवस्था होती है जो कि दिल्ली की है। पेड़े इत्यादि बनते हैं जो कि आगरे मथुरा के हैं। इसी तरीके से ढोकला गाठिया इत्यादि बन जाते हैं जो कि गुजरात के हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ ना कि एक जगह पर बहुत सारे व्यंजन आपको मिल जाए ना देखने, तो इसको कहते हैं खान पान की मिश्रित संस्कृति। तो इससे फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। तो चलिए आपसे पहले चर्चा करते हैं इसके फायदे क्या है। ठीक है, अगर एक घर में हमारे घर में टूमलेट टूटर बन जाते हैं, मैगी बन जाती है, पास्ता पोहा इत्यादि बन जाते हैं, इसके अलावा पुराने जमाने के जो भोजन है वो अब शायद नहीं मिल रहे होंगे, हम उसी के लिए मिल रहे हैं, इससे फायदा क्या होता है हमें। चलिए देखते हैं किसी इंजीनियर से क्या बता सकते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही। शुभम पटेल आवाज आ रही है? नहीं आ रही। किशन, कुछ बच्चों को अपना माइक अनम्यूट करना नहीं आता है, इसी वजह से वो बोल नहीं पाते। किशन, अनन्या अग्रवाल, कोई नहीं बोल रहे हैं? देखते और कुछ लोग। यस सर। हाँ, कौन अग्रवाल? शुभ अग्रवाल को आवाज आ रही है। ओम तिवारी को आवाज आ रही है? ओम तिवारी बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ ओम, आपको ये बताना है हाँ कि आपके घर में कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत जल्दी बन जाता है, सबसे जल्दी बन जाता है? सर मैगी। मैगी बन जाता है, तो मैगी से क्या फायदा हो रहा है? सर फायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन सर वो जल्दी बन जाता है। बिल्कुल जल्दी बन जाता है, अगर आप कहीं जाने की जल्दी है, आप जल्दी से कोई काम निपटाना, कोई काम करना है, तो दो मिनट में आपको मैगी बना के दे देंगे, अपना दूसरा काम करने लगेंगे, इससे क्या है कि समय बच जाता है। बिल्कुल, ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। बिल्कुल, तो एक फायदा होता है समय बचना। चलिए, और इसके अलावा और जानते हैं और क्या फायदा होगा? शुभम पटेल को आवाज आ रही है? शुभम पटेल बोलिए। उमेश कुमार को आवाज आ रही है? यस यस सर, आ रही है। हाँ, तो उमेश बेटा आपको ये बताना है कि ये जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन हमें एक जगह देखने को मिल जाते हैं, खाने को मिल जाते हैं, इससे फायदा क्या होगा? सर सर हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है? अरे म्यूट कर दिया, वहां से आवाज आएगा, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा आप शांत हो जाइए, मैं बोल रहा हूँ। बात यह है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से फायदा यह होगा कि आपका समय बचता है, आपको विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने की विधि का पता चल जाता है, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के नाम हो जाते हैं। आपकी शादी ब्याह में या फिर कहा जाए धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें खाने में विविधता आ जाती है। अब विविधता आने से क्या होता है कि वो जो है आपका कार्यक्रम बड़ा रोचक हो जाता है, लोगों को खाने का आनंद मिलता है उसमें, है ना। और अगर नुकसान की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो होता है स्वास्थ्य के संबंध में, क्योंकि इस तरीके के जो जल्दबाजी वाले खाने बनाए जाते हैं, भोजन बनाया जाता है, इससे स्वास्थ्य को लेकर बड़ा नुकसान होता है इसमें, तो ये सबसे बड़ा इसमें नुकसान है। तो आप इसको यहीं पर टिक कर लें, और इससे संबंधित जो और प्रश्न है या कहा जाए जो और शेष भाग बचा है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो पर समाप्त करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको लिख करके, ठीक है। तो प्रश्न है, अरे रुक जा, रुक जा, करो।
ठीक है, ये प्रश्न है आपका, इसको आप टाइम आउट पर कर लीजिएगा। खान पान की दृष्टि संस्कृत के क्या क्या लाभ और हानियां, कम से कम आपको दो दो लाभ और दो दो हानियां मिलती है, इससे ज्यादा आप लिख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। ओके ओके सर, तो इसको समाप्त करें इस वीडियो को। यस सर। हाँ, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, मैं इसको जो है वीडियो को समाप्त करता हूँ। ओके बाय एवरीवन। यस सर, बाय सर।